हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स रात की रानी। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विजय सांग रात की रानी। रात जिसके साए में पलती है गुनाहों की दुनिया, अंधेरे की काली चादर की ओट में निकल पड़ते हैं अपराधी, जुर्मों का काला इतिहास रचने और कानून के रखवालों से आंख मिचोली खेलने। रात की भयावहता को पार्श संगीत देते हैं रोते और भौंकते हुए कुत्ते तथा झिंगुर। लेकिन रात का रूप क्रूर और कठोर ही नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही तो महकती है रात की रानी। और जिस रात इसकी खुशबू की भनक मिलती है, पुलिस में रेड अलर्ट हो जाती है, जिप्सियां दौड़ने लगती है, अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। रात की रानी की महक, वो वो वो, क्योंकि इस मादक महक का अर्थ है कि आज की रात रात की रानी कोई कारनामा कर गुजरी है। हा हा हा, रात की रानी के सौंदर्य को और महकाएंगे ये जेवर, लेकिन पहले मुझे बचना है उन जेवरों से जो कानून के सिपाही मुझे पहनाने की ख्वाहिश लिए चले आ रहे हैं। इन जेवरों से बचने के लिए मुझे अपनी उंगली के इस सख्त नाखून का पराई कार पर मास्टर की तरह इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद लॉक खुल जाएगा और रात की रानी अपनी खुशबू समेट कर फुर्र हो जाएगी। उस वक्त उसके होठों पर सफलता की मुस्कान थी और था वह काला तिल। रात की रानी की सफलता का द्योतक है ये काला तिल, जो मेरी अपराध की जिंदगी को कानून की नजर लगने से भी बचाता है। लेकिन अचानक उस वक्त उसके होठों ने अपनी मुस्कान समेट ली, पांव ब्रेक पर कस गया, कार एक झटके से रुकी थी, आंखें भी उसी झटके से चौड़ी हुई थी। इसे रास्ते में किसने खड़ा किया? इसी के साथ जिस्म में झुरझुरी मचाती ठंडी नाल उसकी कनपटी पर आ टकी। जवाब में गूंजी वह सख्त आवाज, मैंने, बाहर निकलो। खतरे को क्षण भर में ही वह भांप चुकी थी, आती हूं बाहर। और उस वक्त उसके जहन में जो खुराफात जन्म ले रही थी, उसके लिए उसका कार से बाहर आना नहायत ही जरूरी था। वह पल कुत्ते की उस सूरत को बौखलाने के लिए काफी थी। तड़ाक हो, और इतना समय रात की रानी के बाहर आने के लिए भी काफी था। खुशबू को कोई रोक नहीं पाया। धाड़, तू उसे कैसे रोक पाएगा? ठाक, उसे रोकने के लिए शस्त्र तो डोगा को जल्दी ही मिल गया। होंठों पर काला तिल, सीने में काला दिल, वाह क्या फीमेल है। तुम अपना कड़ा यहीं भूल कर जा रही थी, और ये कड़ा इतना खूबसूरत है कि मैंने सोचा इसे तुम्हारी कलाई को वापस लौटा दूं, जिससे तुम इनमें वह कानून की हथकड़ियों का अंतर महसूस कर सको कि वो कितनी बदसूरत होती है। वो वो वो, डोगा के धक्के से जिस तेजी से गिरी थी वह, उतनी ही तेजी के साथ पलट कर वह डोगा पर झपट पड़ी। जुर्म का अंधेरा तो इस धरती के चप्पे चप्पे पर छाया हुआ है। हथियारों से लदा तुम्हारा यह जिस्म और चेहरे पर चढ़ा कुत्ते का यह मास्क बता रहा है कि जुर्म तुम भी कर रहे हो। डियर, मुलाकात अधूरी रही, कभी फिर मिलेंगे, गुड बाय। मुझे मुलाकात अधूरी छोड़ने की आदत नहीं है रात की रानी, पुलिस आ रही है, अब बाकी का काम पुलिस कर लेगी। इसी के साथ डोगा रात के अंधेरे में गुम होता चला गया, मगर अभी वहां से गया नहीं था। वह अधरों पर गहरी मुस्कान लिए वहां पहुंचकर रुकी जिप्सी से उसे बाहर निकलते देख रहा था वह, जिसके कंधे पर मौजूद स्टार्स उसके इंस्पेक्टर होने का पक्का सबूत दे रहे थे। जेवरों से भरा बैग उठाने को वह झुका ही था कि इसे हाथ मत लगाना इंस्पेक्टर, वो माल रात की रानी का है। गिद्ध की तरह ही रात की रानी पर झपटा इंस्पेक्टर और आह कट, अंधेरे में खोने लगा रात की रानी का मस्तिष्क, गुड बाय। और तभी पुलिस कंट्रोल रूम की जिप्सी से अकेला आने वाला उस जोरनिक को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बैग ले जाने वाला कोई भी आदमी
गद्दार तो हो ही सकता है पर वफादार नहीं। हवा में उछली कैप को जमीन नहीं छूने दी थी उसने। तुमने ठीक पहचाना, ऐसा आदमी एनीवेयर हो सकता है। छपा! चेहरे पर आ ढकी कैप ने पल भर के लिए डोगा को बौखला दिया था जिसका भरपूर लाभ उठाया था एनीवेयर ने। एनीवेयर जो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। तू भी याद कर लो, कुत्ते तो बहुत देखे होंगे इन गलियों में, लेकिन कुत्ते सी सूरत इन अंधेरी गलियों में एक ही है जिसे तुम्हारे जैसे काले लोग डोगा कहते हैं। पुलिस के रूल को घुमाकर डोगा के मस्तिष्क को अंतरिक्ष की सैर कराने में एनीवेयर ने कोई कसर न छोड़ी थी। लेकिन साई खनाक मंगल की सैर डोगा की उस कीक ने उसे जरूर करा दी थी। छनाक जबरदस्त फुर्ती के साथ अपने होश को वापस धरती पर लाकर उछलकर खड़ा हो गया एनीवेयर। डोगा का प्रचंड मुक्का उसके गाल की हड्डी पर एक खास चिन्ह छोड़ने उसके चेहरे की ओर बढ़ चुका था। ये निशान तुम्हें हमेशा याद डोगा की याद कराता रहेगा। सही वक्त पर एनीवेयर का दिमाग काम कर गया। क्रैश! निश्चित रूप से वह गुस्सा अगर एनीवेयर के चेहरे को छू लेता तो चेहरे को उसके सिर के पिछले हिस्से से मिला देता। इस सच्चाई को जान चुका था एनीवेयर, इसलिए अब वह उसे कोई भी अवसर नहीं देना चाहता था। बड़ा नीचे जमीन पर बिखरे पड़े कांच पर जा गिरा था चकराया हुआ सा डोगा। हवा के झोंके के समान बूथ से बाहर निकलता चला गया एनीवेयर। एनीवेयर यहां उस बैग को हासिल करने पहुंचा था, डोगा से लड़ने के लिए नहीं। बाज की तरह झपट कर वहां बिखरे पड़े जेवरों को एनीवेयर अपनी जेबों में ठूसता चला गया और इसी पल डोगा की गन ने उगली वह गोली। च्यूम! गोली की आवाज के साथ ही वातावरण एक बार फिर पुलिस के सायरनों से गूंज उठा था और अब डोगा के रुकने के लिए भी वहां कुछ नहीं बचा था। रात की रानी भी भाग गई, मगर रात की रानी का फूल मुझे याद दिलाता रहेगा इस खुशबू को जो फिजा में अपराध बनकर फैली और गायब हो गई। उसके साथ ही अब मुझे तलाश रहेगी एनीवेयर की भी। वो लेकिन उस वक्त तक भी वहां महक रही थी रात की रानी। एनीवेयर के हाथों अपने माल की और डोगा के हाथों अपनी हार की कीमत वसूल करके रहूंगी मैं। इधर अगले दिन जिम में, अरे सूरज तुम यहाँ? और मैं तुम्हें हर ओर तलाश कर आया, तुम किचन में क्या कर रहे हो? कॉफी बना रहा हूँ अध्यक्ष चाचा, और खानसामा छुट्टी पर है, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। सूरज ये पत्र देखा तुमने? कैसा पत्र है अध्यक्ष चाचा? ये मेरे एक शिष्य अल्बिन का पत्र है जिसे तुम भी बॉडी बिल्डिंग सिखाया करते थे, आजकल वह दुबई में जिम चला रहा है और लिखता है कि जिम हमारे आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। सूरज इस पत्र के साथ ही उसने एक शानदार डायमंड म्यूजिक कपल नामक उपहार भी भेजा है जो AW कुरियर के जरिए आज शाम तक हमें मिल जाएगा। और जानते हो सूरज, ये उपहार उसने तुम्हारी सगाई का समाचार सुनने के बाद भेजा है, तुम्हारी शादी के उपहार के रूप में। तब तो वो काफ़ी महंगा होगा ना अदरक चाचा? अल्बिन एक शेख का बेटा है, उपहार सचमुच महंगा होगा, लेकिन तोहफे की कद्र उसकी कीमत से नहीं भेजने वाले की नियत से निर्धारित होती है। अल्बिन को धन्यवाद पत्र हमें जरूर भेजना होगा। AW कुरियर कंपनी की वह वैन एयरपोर्ट से अपना कलेक्शन करके रवाना हो चुकी थी। फ्लाइट 2 घंटे देरी से आई। इसी कलेक्शन में शामिल था सूरज के लिए भेजा गया वह शानदार डायमंड म्यूजिक कपल भी जिस पर आज लग चुकी थी बात सी 2 निगाहें। दुबई की इस फ्लाइट से ही भेजे गए हैं 1 करोड़ कीमत के हीरे भी जो डायमंड म्यूजिक कपल के साथ ही कुछ देर बाद मेरे हाथों की रौनक बन चुके होंगे। बस कुछ मिनट और, इस लूट के लिए जगह निर्धारित कर दी गई थी। अरे क्या हुआ, जाम क्यों लगा है? जाम यूं ही नहीं लगा था, सड़क पर आगे सब्जियों से लदा एक टेम्पो उलट गया था और अंधेरे को चीर रही थी वहां खड़े वाहनों की ही बत्तियां। मगर ये जाम किसी योजना का हिस्सा था। बस कुछ मिनट और, क्योंकि
कुछ ही देर में कुरियर कंपनी की वैन की छत लोडर के मजबूत पंजे में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो चुकी होगी। अरे ये क्या हो रहा है? लोडर के पंजे द्वारा तोड़ी जा रही थी। खूनी खेल जारी हो चुका था। ये तुम्हारी मौत का तमाशा हो रहा है। दाएं गोली की आवाज के तत्काल बाद ही उभरी चीख की आवाज ने जाम में फंसे लोगों में दहशत मचा दी। आ एनीवेयर को चाहिए डायमंड्स और म्यूजिक कपल। हा 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 एनीवेयर कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन ये क्या, अंदर तो कुत्ते थे, भयानक कुत्ते जिनकी नियुक्ति वहां गार्ड्स के रूप में की गई थी। वुफ ग्रर गार्ड्स कुत्ते वुफ धाएं इन्हें खत्म करना होगा। एनीवेयर शायद भूल गया था कि गोली की शक्ति गोली चलाने वाले की फुर्ती पर निर्भर करती है, मगर कुत्ते की शक्ति तब गोली से ज्यादा खतरनाक हो सकती है जब वो गोली चलाने वाले हाथों से पहले झपट पड़े। ताड़ वुफ उफ धाएं धाएं एनीवेयर एक ही समय में दो दो काम कर रहा था। सब कुछ कुछ क्षणों में होता चला गया। हा 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 हीरे और डायमंड म्यूजिकल कपल, वाह। इधर वह कुत्ता बेकाबू हुआ जा रहा था। उफ उफ गुर्र और इधर वह दृश्य देखकर कुत्ते सी उस सूरत पर आते जा रहे थे दरिंदगी के भाव। च्यूं तुम्हें इस नरसंस्था की सजा मेरी बंदूक देगी। एनीवेयर देख चुका था उस सूरत को। च्यूं हो डोगा यहां भी आ गया, लेकिन मेरा काम हो चुका है। एनीवेयर सांप की सी तेजी के साथ ट्रक के नीचे रेंग गया था और ट्रक के ठीक नीचे मौजूद मेन होल का ढक्कन हटाने के बाद वह गटर में पहुंच गया। फिलहाल सड़क मार्ग से भागना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। छप 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 पर सड़क पर आखिरी बचा लुटेरा अब डोगा की गन के निशाने पर था। ओहो तो कुरियर वैन को लूटने की कोशिश की जा रही थी। तड़ा और ये वही वैन है जिसमें मेरा उपहार डायमंड म्यूजिक कपल भी आ रहा था। तभी कुत्ते की बात सुनकर चौंक पड़ा डोगा। एक लुटेरा वैन लूटकर गटर के रास्ते भागा है। कुंग कुंग मगर भागने के लिए रास्ता उसने गलत चुना है, जिसका पता एनीवेयर को था या नहीं यह कहना मुश्किल था। उफ कितनी घुटन सीलन व बदबू है, लेकिन मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा कीमती डायमंड कपल व हीरो की खुशी के लिए। अचानक बुरी तरह से चौंक उठा वह, क्योंकि घुटन सीलन व बदबू को किल करता खुशबू का एक तेज झोंका उसके नथुनों में प्रवेश कर गया था। यह गन तो रात की रानी के फूलों की है, गटर में रात की रानी कहां से महकी? आह धाड़ कहीं भी महक सकती है। रात की रानी तुमने मुझे पहचाना कैसे? पहले तुमने मुझे पहचाना और इसी से मैंने ये अनुमान लगा लिया कि एक नए मेकअप में तुम एनीवेयर ही हो। तुमसे अपना पिछला हिसाब किताब आज चुकता हो जाएगा एनीवेयर। हिसाब किताब चुकता हो गया एनीवेयर, गुड बाय। ताड़ एनीवेयर चोरी के माल का कोई हिसाब किताब नहीं रखता रात की रानी, जो जीता वही सिकंदर। चलिए दोस्तों इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।